अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे बूट्स एस्कॉट बायनोकुलर के हवाले से, जो कि एक जापान की बनाई हुई दूरबीन है। तो इसके बारे में जान लेंगे और इसका एक जूम टेस्ट वीडियो भी बनाएंगे। तो दोस्तों इसकी अगर हम लोग ब्रांड की बात करें तो इसकी जो ब्रांड है वो बूट्स एस्कॉट इस पर लिखी हुई है। और दोस्तों इसकी जूम पावर की बात करें, जूम पावर इसकी जो है वो 10x है। ठीक है दोस्तों, 10x इसकी जूम पावर है, यानी 10 टाइम ऑब्जेक्ट आप लोगों को नज़दीक दिखाएगा ये। और दोस्तों इसके ऑब्जेक्टिव लेंस की बात करें, ये वाले जो लेंस इसमें लगे हुए है, इसकी साइज़ की बात की जाए तो इसकी जो साइज़ है वो 50mm है, जैसे यहाँ पर लिखी हुई है। और दोस्तों इसके अगर हम लोग फील्ड ऑफ व्यू की बात करें, इसकी जो फील्ड ऑफ व्यू है वो यहाँ पर मेंशन है 105 YDS 8 1000 YDS। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग प्रिज्म की बात करें तो इसमें जो प्रिज्म यूज़ हुए है वो है BK7 प्रिज्म इसमें यूज़ किए गए हैं। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग कोटिंग की बात करें तो ये जो है फुली कोटेड है, यानी इसके जो ऑप्टिक्स है वो फुली कोटेड है, यहाँ पर लिखी हुई भी है फुली कोटेड, ये आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसकी अगर हम लोग इमेज क्वालिटी की बात करें तो इसकी इमेज क्वालिटी दोस्तों बहुत अच्छी है, HD है। ठीक है दोस्तों, एक होता है मतलब नॉर्मल, एक होता है वेरी लो, एक होता है गुड, एक होता है वेरी गुड, एक होता है HD। तो इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो HD है और इससे भी ज़्यादा फुल HD 4K भी आते हैं, लेकिन इसका HD है। और दोस्तों इसकी साइज़ की बात करें तो ये जो है फुल साइज़ है, ये आप लोग देख सकते हैं फुल साइज़ दूरबीन है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसकी मॉडल की बात की जाए तो ये पोरो प्रिज्म मॉडल में ही आता है। और दोस्तों इसकी मेड इन की बात की जाए तो ये मेड इन जापान है, यहाँ पर भी लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर भी लिखी हुई है बूट्स एस्कॉट जापान। तो दोस्तों इसके अभी एक जूम टेस्ट वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो पर जाने से पहले मैं आप लोगों को ये बताता चलूँ कि अगर आप लोग हम लोगों से रबता करना चाहते हैं तो हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो है 0333-7886510, इस पर आप लोग रबते कर सकते हैं। और हमारे पास कैश ऑन डिलीवरी सर्विस अवेलेबल है ऑल ओवर पाकिस्तान, आप लोगों को जिधर भी चाहिए हम लोग आपको कैश ऑन डिलीवरी बेच सकते हैं। तो चलो दोस्तों वीडियो की तरफ जाते हैं, इसके एक जूम टेस्ट वीडियो बनाते हैं। जी दोस्तों, तो सबसे पहले ये जो सामने वाला बिल्डिंग है इसको देख लेंगे, ये वाइट कलर का, ये यहाँ से तकरीबन 700 मीटर के फासले पर है, ये आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो सबसे पहला वाला पहाड़ है इसको देख लेंगे, ये आप लोग देख सकते हैं। इसकी जो रिज़ल्ट है ना मुझे बहुत पसंद आई, इसकी मतलब डिटेल भी बहुत अच्छे है, मतलब हर चीज़ जो है ना ये डिटेल के साथ ये दिखाता है। ये 3 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा दोस्तों इसके बाद ये सबसे बड़ा पहाड़ है इसको देख लेंगे, इसका जो टॉप है इसको देख लेंगे, ये इसका टॉप है दोस्तों, और दोस्तों इसके बाद ये जो ज़ियारत वाला पहाड़ है इसको देख लेंगे। अच्छा मौसम जो है वो 80% साफ है, 100% साफ नहीं है दोस्तों, ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये ज़ियारत वाला पहाड़ है। और दोस्तों इसके बाद इस तरफ एक ये जो पहाड़ है जिसमें दरख्ते वगैरह भी है इसको भी देख लेंगे,
मतलब ये पहाड़ के जो अपने दरख्ते होते हैं ये वो है, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ से 7 किलोमीटर के फासले पर है। अच्छा दोस्तों, इसके बाद ये जो सामने वाला बिल्डिंग है इसको देख लेंगे। ये जो बिल्डिंग है ये यहाँ से तकरीबन होगा 900 मीटर के फासले पर, 1 किलोमीटर से थोड़ा कम है, ठीक है दोस्तों। ये आप लोग देख सकते हैं। और दोस्तों इसके बाद ये जो डैम है इसको देख लेंगे, जो पहाड़ के दामन में है, जो पहाड़ के दामन में एक डैम है इसको देख लेंगे। ये यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर के फासले पर है। और दोस्तों इसके बाद इस तरफ एक गुंबद है इसको भी देख लेंगे, ये पेड़ यहाँ से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर है। जी दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आप लोगों को हमारी हर आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सके। और अगर आप लोगों ने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों अल्लाह हाफिज़।